नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। अध्यापक लेटेस्ट खबर आ रही है, ट्रांसफर के लिए ये आवेदन भरना है और ये कहां पर जमा करना है आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो एकदम लास्ट तक पूरा देखें। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपको आवेदन है, ये आपको भरना है, चाहे फिर वो जिले के अंदर हो या फिर जिले के बाहर हो। स्वैच्छिक स्थानांतरण का पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि आपको कब से ये आवेदन भरकर जमा करना है, किसका अनुमोदन कराना है और कहां पर जमा करना। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे आपको आपके विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, इसलिए आप न्यूज़ टुडे जुड़ना ना भूलें, सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके। और दोस्तों, हम आपको बता दें, आज कमलनाथ कैबिनेट बैठक है, इसकी जानकारी भी आपको न्यूज़ टुडे पर मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए वो आवेदन देख लेते हैं, कहाँ पर जमा होगा, किसका अनुमोदन कराना, लेट्स गो। तो दोस्तों, आप ये फॉर्म देख सकते हैं, इस फॉर्म को आपको भर करके प्रभारी मंत्री से अनुमोदन कराकर आवेदन DEO कार्यालय में जमा करना है। जिले के अंदर वाले हों या फिर जिले के बाहर वाले हों, सभी को मंत्री जी से अनुमोदन कराना है। अनुमोदन कराने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपको जमा करना है और यह 27 मई के बाद आपको जमा करना है। तो चलिए इस आदेश को डिटेल से देख लेते हैं और आपके कोई क्वेश्चन रहेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आपको उनके उत्तर मिल सकें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये फॉर्म अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, इसमें लिखना है प्रति श्रीमान आयुक्त महोदय और नीचे कार्यालय का नाम लिखना है मध्य प्रदेश भोपाल, विषय है स्थानांतरण करने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं वर्तमान कार्यरत जिले से अन्य जिले में स्वयं के व्यापार स्वेच्छा से स्थानांतरण कराना चाहता या चाहती हूँ। मेरा विवरण निम्न अनुसार है। और जो स्थानांतरण जिले में कराना चाहते हैं वो जिले की लाइन आएगी। कर्मचारी का विवरण देख सकते हैं आप, कर्मचारी का नाम, यूनिक कोड, पद एवं विषय, संस्था, संस्था का डाइस कोड, विकास खंड व जिला, कार्यरत मूल विभाग, चाही गई संस्था, डाइस कोड एवं विकास खंड, चाहा गया जिला उसमें विभाग, जन्म दिनांक, शिक्षक संवर में नियुक्ति दिनांक, जारी दिनांक से क्रमांक लिखना है, अध्यापक संवर में सम्मिलन दिनांक लिखना है, जारी दिनांक से क्रमांक, प्रथम नियुक्ति दिनांक लिखना है और जारी दिनांक से क्रमांक लिखना है, वर्तमान संस्था में आने का दिनांक लिखना है और स्थानांतरण चाहने का कारण लिखना है। 16 नंबर पर स्थानांतरण का प्रकार, फिर आपको संलग्न में लगाना है। आप देख सकते हैं, शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति का आदेश, अध्यापक संवर्ग में सम्मिलन का आदेश और प्रथम नियुक्ति का आदेश और हस्ताक्षर, नाम और पद लिखना है। तो दोस्तों, यह था वो फॉर्म जो आपको ट्रांसफर के लिए भर करके अप्लाई करना है। आपको जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ कार्यालय में जमा करना है और मंत्री जी का पहले अनुमोदन कराना है। अनुमोदन करने के बाद ही आपको ये फॉर्म जमा करना है। तो आपको दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और इससे संबंधित कोई कन्फ्यूजन हो और क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि जो अन्य बुद्धिजीवी अध्यापक देख रहे हैं वो आपके क्वेश्चन का आंसर दे सके और आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल सके। आगे जानकारी पाने के लिए ऐसे ही आप न्यूज़ टुडे से जुड़े रहें, सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।